अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुँचने में, समझी? तो गाइस आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, भाई एक ही सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर लो यार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगी, फुकरा इंसान बिग बॉस OTT के अंदर गए हुए हैं और फुकरा इंसान की वहीं पर किसी टास्क के दौरान बेबिका के साथ बहुत ही ज्यादा बड़ी फाइट हो जाती है। एंड गाइस आप सभी लोगों को तो पता ही होगी फुकरा इंसान कितना कूल और चिल पर्सनैलिटी वाला बंदा है, लेकिन इसके बावजूद फुकरा इंसान इतने ज्यादा हाइपर क्यों हो गए? और इसी के साथ ट्रिगर्ड इंसान यानी कि उनके भाई ने भी उनके ऊपर रिएक्ट करते हुए उनके बारे में कुछ ये कहा है। मुझे अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुँचने में, समझी? भाई क्या देख लिया मैंने अभिषेक को इतनी जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए। टू बी ऑनेस्ट, हमारे घर में 4 लोग रहते हैं हम, एंड अभिषेक सबसे ज्यादा चिल है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने कभी उसको लाइफ में चीखते चिल्लाते हुए नहीं देखा, एंड वो इतना ज्यादा हाइपर हो गया भाई, उसको बोल रहा है ये वो तू जहाँ पे है ना, भाई क्या कर रहा है यार अभिषेक भाई। बाकी गाइस आप लोग फुकरा इंसान को लेकर क्या कहना चाहते हो, क्या उनका इतना हाइपर होना सही था या गलत था? अपने ओपिनियन में कमेंट कर जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अब बात करने वाले हम लोग एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर एक बैड न्यूज है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि परसों रात को एलविश यादव की फॉर्चूनर पर किसी हेटर्स ने हमला कर दिया है, और जिसको लेकर एलविश यादव काफी ज्यादा गुस्से में है। और उस हेटर के ऊपर क्या कहा एलविश यादव ने, आप खुद सुन लो। आपका फोन आया मेरे पास दिवेश भाई का, कहते कि भाई ऐसे ऐसे उनके घर के बाहर खड़ी थी फॉर्चुनर, कहते भाई अभी ना साइकिल पे या फिर मोटरसाइकिल ऐसा कुछ बोला मेरे याद नहीं, दो बंदे आए, उन्होंने फॉर्चुनर गाड़ी पे अटैक करा, लठ वठ मारे, फॉर्चुनर पे भी डंडे मारे उन्होंने बंदों ने। रात के बज रहे थे 12:41, करेक्ट 12:41 हो रहे थे। मैं CCTV कैमरा उसने कैप्चर करा है कि सामने कौन बंदे क्या करके गए हैं, कल मैं उसकी फुटेज निकालूंगा और फिर उसकी पुलिस कंप्लेंट होगी। पुलिस अपने हिसाब से अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे भाई, और हम अपने हिसाब से अपना। बाकी गाइस आप लोग एलविश यादव के हेटर्स के बारे में क्या कहना चाहते हो, उन्होंने उनकी गाड़ी तोड़कर सही किया या गलत किया? अपने ओपिनियन हमें कमेंट कर जरूर बताना। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।